अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? और कैसा आपका रमज़ान गुज़रा? अच्छा गुज़रा? और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और ईद आने वाली है, एक दो दिन में ईद आ जाएगी, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये मैंने अपने घर में दावत की थी, अफ्तारी की, ये अफ्तार पार्टी की थी, उसके लिए मैंने ये चिकन बनाया था, चिकन फ्राइड किया था मैंने, जिसके लिए मैंने चिकन लिए थे, दो चिकन लिए थे, उनके मैंने छोटे पीसेस करवा लिए थे और वॉश करके, और अब मैं इनकी मैरिनेशन कर रही हूँ। ये दही मैंने लिया है, हाफ़ के जी दही है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल करके और इसको मैंने मिक्स कर लिया। और साथ साथ आप देखिए इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या मैंने मैरिनेशन में ऐड किया था। ये मैंने लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिए। नमक मैंने डाला 1 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया था क्योंकि चिकन दो थे। और हल्दी मैंने डाली 1/4 टीस्पून, और साथ ही ये चिली फ्लेक्स हैं, ये मैंने 2 टीस्पून ऐड किए। और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके और इनके साथ और भी चीज़ें मैं ऐड करती जाऊंगी। आप देखते जाएं कि मैंने क्या क्या शामिल किया मैरिनेशन में, चिकन की मैरिनेशन में। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि मसाला यकजान हो जाए। और फिर आप देखिए कि मैंने नेक्स्ट क्या शामिल किया। और ये मेरे पास एक मिक्स मसाला पड़ा हुआ है, बाज़ार से मैं लाई थी, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट है। और ये मैंने 2 टीस्पून ऐड कर लिए, साथ ही मैं चिकन पाउडर थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून, ये भी ऐड कर लेंगे। और लेमन जूस मैंने निकाल के रखा था, लीमू का जो जूस है रस, वो मैंने निकाल के रखा था, वो मैंने ऐड कर लिया। साथ ही मैंने ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो मैंने शामिल कर दिया। और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और साथ ये हरी चटनी है धनिए की, धनिए और हरी मिर्चों की चटनी को मैंने इनमें शामिल कर दिया क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है चिकन का। और इन सब मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, देख सकते हैं आप। और इनमें अब मैं चिकन शामिल करके, मैरिनेशन करके मैं रख दूँगी, और फिर मैंने फ्राई करना है। आप देखेंगे मैं कैसे फ्राई करती हूँ, बहुत इजी रेसिपी है। और ये जो मैरिनेशन है, जो स्पाइसेस हैं, आप ये ऐड कीजिएगा और फिर ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी रेसिपी थी चिकन की, चिकन बहुत मज़े का बना था। पहले मैंने फुल चिकन के पीसेस लिए थे, फिर बाद में इनको मैंने कट कर दिया था, मैंने कहा मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह से और फिर मैं इनको कट करूँगी। बाद में मैंने और चिकन भी शामिल किया था। और ये देखिए कितने अच्छे कटिंग करके, और मैंने कट्स भी लगवा लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था। अब मैं इनको अच्छी तरह से इनके ऊपर जो मसाला है स्पून की मदद से इनके ऊपर करके, फिर मैंने हाथों की मदद से इनके कट्स के अंदर मसाला मैंने मैरिनेशन में किया था शामिल, कि ये जो कट्स हैं इसके अंदर चिकन के मसाला ऐड हो जाए, शामिल हो जाए, और फिर ये मज़ेदार चिकन हमारा फ्राइड चिकन बन जाए। और मेरे घर अफ्तार पार्टी थी, उसके लिए मैंने ये चिकन बनाया था। इसमें मैंने और चिकन भी ऐड किया था बाद में क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए थे, और इसलिए मैंने कहा चले मैं अपनी रेसिपी अपने फ्रेंड्स को, अपने यूट्यूबर्स को दिखा दूं कि कैसे ये चिकन मैरिनेट होता है। जो बच्चियां हैं, जो सीखना चाहती हैं, जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए बहुत यूज़फुल ये रेसिपी है। और आप देखिए, और बिल्कुल आप बनाइए आप इसी तरह। और आप देखिए इनको मैंने करके इसमें डाल के, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखना था, मैंने छोटे बाउल में डाल के इसको, मैंने इसको प्लास्टिक शीट से कवर करके मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब जी मैंने निकाला था इनको और मैंने फ्राइंग पैन में डाल के इसको मैंने कवर कर दिया था। ये मैंने वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर से कवर उतारा था, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था कवर करके और आधे घंटे के लिए। और ये स्टीम में स्टीम हो जाएगा, जब ये पूरा पक जाएगा तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल डालकर। और देखिए कितना अच्छा से ये पक चुका है। और इसको आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको एक आधे घंटे के लिए आपने फ्राई करना है। मैंने इसके ऊपर ऑयल अब डाल दिया है
ऑयल डालकर इनको मैंने, अब देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और ये अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर किया था ये फ्राइंग पैन में, और आधे पीस मैं निकाल चुकी थी, आधे ये पीस हैं। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन हमारा फ्राइड चिकन बना था। ये देखिए कितनी अच्छी लुक है इसकी, और सबको बहुत पसंद आया था। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।